और प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये बहुत पहले ये हरकत मैंने की थी। प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करिए क्योंकि यहाँ ये ऐसा होता रहता है। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जाऊंगी अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने, जिससे मैं 2.5 सालों से नहीं मिली हूँ और करीब 1-1.5 साल से हमारी बात भी नहीं हुई है। मतलब ना वो मेरे कांटेक्ट में है, ना मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। बीच में मैंने नंबर चेंज कर लिया था तो इसलिए उसके पास मेरा नंबर नहीं है, बट या उसका वही नंबर है। तो मैंने सोचा कि अभी उसको मैं बताऊँ ना, अचानक से जाऊँ। आज संडे है तो वो अपने घर पर ही होगी, तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि उसका रिएक्शन कैसा होगा मुझे देखकर 2.5 सालों के बाद। और गुस्सा तो होगी क्योंकि इतने दिन से मैं गायब थी और हमारे बीच कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी, बस ऐसे ही, मतलब पता नहीं क्या, बस ऐसे ही हो गया था, हमारा बीच में बात बंद हो गया था। तो इसलिए कुछ ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है हमारे बीच। तो मैं अब जाकर देखती हूँ कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। बस दुआ करें वो घर पर ही हो, वरना इतना दूर जाना मेरा वेस्ट हो जाएगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या रिएक्ट करेगी, पता नहीं। अगर इमेजिन करते हैं, अगर मैं गई उसके घर और उसने भगा दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, वो भी मैं शेयर कर दूँगी। या अगर वो घर पर ही नहीं हुई तो कुछ भी, जाके देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि हर जगह मेरी ओवरथिंकिंग ऑन रहती है। तो बस दुआ करते हैं घर पर हो और सब कुछ अल्लाह के करम से अच्छा अच्छा हो, अच्छा ही होता है। क्योंकि पता है दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है, दोस्ती ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा कायम होती है। और मेरे लिए जो दोस्त होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं मेरे दिल में, मैं दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मैं गुस्से में अगर उनको डांट दूंगी तो फिर मैं मनाऊंगी भी कि हाँ, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ। तो दोस्ती ऐसी चीज़ है और बहुत प्यारी चीज़ होती है, तो उसको ख़त्म नहीं करना। तो लगभग तो मैं पूरी रेडी ही हूँ, तो बस चलते हैं उसके घर और मैं अपना बैग टांग लेती हूँ, ठीक है ना। हाँ, और या आई होप आप लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मैं ठीक ठाक ही लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। बकरी है हमारी, तो ठीक है, चलते हैं, लेट्स गो, देखते हैं। बस दुआ करें मेरी बेइज्जती ना हो, बस अल्लाह का नाम लेके जाती हूँ, बस वो मुझे भगाए ना। चलिए, तो मैं निकल गई हूँ और मैंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और मेरा हिजाब इधर उधर हो गया है पूरा। अब रास्ता अस्तफ़िरुल्लाह, और इस पूरे खटारे ऑटो पर सिर्फ मैं, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, यहाँ मेट्रो बन रहा है, 2 साल से तो ये बन ही रहा है। और जाती हूँ आगे, मैं फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। एंड यार, मैंने ऑटो चेंज कर लिया है क्योंकि उसके घर जाने के लिए मुझे 3-4 ऑटो चेंज करने पड़ेंगे। इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर घर पे नहीं बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, जाने में पता नहीं कितना लेट होगा। एंड या ये मैं पहुंच गई हूँ खुशी के घर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब अंदर जाने के लिए और उससे मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। घर आ गई हूँ और मैं आंटी से भी मिल रही हूँ। तो ये है, इधर खुशी का रूम है। तो मैं जाती हूँ और मैं बैक कैमरा कर देती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है खुशी घर पर ही है। खुशी का रूम है और उधर आंटी बैठी है और ये जब से देख रही है ऐसे ही कर रही है। तो चलते हैं अंदर। बस खुशी अरे भाई, तो रुको भाई, फ्रंट कैमरा कट जाते हैं भाई, इसने हक नहीं किया है क्या इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। रिएक्शन कैप्चर हमने किया नहीं था क्योंकि बस ये हा हा करते रह गई। अब करो भाई, मेरी बेटी है ये गाइस। जी जी, 2.5 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब ऑलमोस्ट, हाँ बहुत टाइम हो गया। और इसके घर में बहुत सारे चेंजेस आ गए जो पहचान में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं।
अच्छा इसको भी यकीन नहीं होता होगा सही में I was in shock, guys. मतलब इतना कष्ट कौन करता इतनी दूर से आ रही है तो इसको उम्मीद नहीं थी. आंटी भी वैसे ही शॉक थी, अरे बेटा तुम यहाँ बैठो बैठो. तो फिर मैंने बोला कि नहीं पहले मैं मिल लेती हूँ खुशी से. तो हाँ अंदर ही है, फोन चला रही है ये वो. मैंने बोला ठीक है जाती हूँ. अभी हम लोग रोस्ट कर रहे थे किसी को, या कह सकते हैं कि जिसको भी, आपको उससे क्या मतलब. तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा आप लोग को भी हंसा देते हैं या शेयर करते हैं कि हम लोग आखिर कर क्या रहे थे. तो हम लोग ना कैमरा इधर रहे, आइए ये लो तुम्हारे लिए. थैंक यू. शेड सही है, मे बी पसंद आए शेड. हाँ एक्चुअली वो न्यूड है. हाँ तो न्यूड पसंद है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए न्यूड लेके आई हूँ. इसमें थोड़ा वीडियो में डार्क लग रहा है बट एक्चुअल में सही है. क्यों, और तुम लिपस्टिक ही लगाती हो और लाइनर वगैरह ये नहीं लगाती है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको और अच्छे से जानती हूँ. चलो भाई पानी पिलाओ, बहुत हो गया. क्या तुम पढ़ोगी आगे? यस बीबीए. BBA और हम बी ए कर BBA. एक बाबू मेरा तुम ले लो, एक बाबू हम ले ले रहे. मेरे पास दो दो बाबू. इसके पास दो बाबू है क्योंकि ये BBA कर रही है और मेरे पास एक बाबू. हम लोग भी वैसा ही कुछ बात कर रहे हैं जिस बात का कोई सेंस नहीं है. अभी दूसरे को दर्ज कर. मेरा स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन बताओ. एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ. मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठ के जूस पीती हूँ. ठीक है, बनाना जूस. हाँ बनाना जूस. आपको जो मिले आप डाल सकते हो सब्जी. कौन सा फल कुछ भी, वो बहुत इफेक्टिव होता है. आप ग्लो ऐसे करोगे जैसे कि आप रात में भी दूर से आ रहे हो, आपका ये बस ग्लो करेगा. ये जैसे इसका ये ग्लो कर रहा है. बड़ा हरामी हो बेटा. नहीं तुम तो बोली थी कि तुम वो क्या बोलते हो उसको, बीट. बीटरूट चुकुंदर, चुकुंदर का चुकुंदर चुचुंदर चुकुंदर. नहीं नहीं चुकुंदर का जूस, लाइक बीटरूट का जूस पीती हूँ. और उसमें क्या, टोमेटो टोमेटो और सॉल्ट. सॉल्ट नहीं, लेमन, चाट मसाला. अल्लाह चाट मसाला. और इसमें वो सड़ी हुई सब्जी डाल. हाँ ये और इनसे इनका चारा ग्लो करता है. जो ग्रेवी बोल रही थी क्या, वो जूस है उसको ठीक होना चाहिए, स्मूदी लगना चाहिए. हाँ सब्जी डालोगे तो स्मूदी हो जाएगा. और हाँ उसमें आप करेला भी डाल सकते हैं ताकि ग्लो करे आपकी स्किन. और अब तुम उसके तरह डांस करके दिखाओ. इसको साड़ी पहनाओ. आई हैव वेरी लेस. ओ माय गॉड, हिंदी बोल. हिंदी बोलो. मैं नाचती बहुत कम हूँ और मैं नाचना पसंद प्रिफर नहीं करती हूँ. तो आप हमें नाच के मेरी आगे इच्छा नहीं ऑर्डर. हम लोग मेरा ऑर्डर से नहीं पता कि क्या बोल. 1% हम लोग गेन किए हैं कुछ, जो किताब पढ़ रहे हैं वो ऐसा हो गया है कि लगता है वो सब पढ़ा है, भुला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भुला रहे हैं, पढ़ रहे हैं. कितना दिन ऐसा पढ़ेंगे हम लोग. एक्चुअली हम लोग को ना कि कुछ इंग्लिश वर्ड बस पसंद नहीं, कुछ इंग्लिश वर्ड पता है और कुछ हिंदी वर्ड पता है. तो जो हिंदी पता है उसका इंग्लिश नहीं पता, जिसका इंग्लिश पता है उसका हिंदी नहीं पसंद है. पता बोलने में नहीं आ रहा है भाई. हम लोग इंग्लिश को वर्ड पहले गूगल करते हैं, बोलते हैं. अच्छा तो मेरा ऑर्डर है कि तुम नाच के दिखाओ बिल्कुल उसकी तरह. नहीं हम लोग कॉपी नहीं कर सकते किसी का. ट्रू, हम लोग किसी को रोस्ट नहीं करते. हम लोग किसी के बारे में चुगलियाँ नहीं. हम लोगों क्या मतलब, जिस अपनी अपनी जिंदगी है भाई, जो जो करे हम लोगों क्या, अपनी जिंदगी तो खुद परेशान है तो दूसरों से हमें क्या. लेकिन गलत बात है, जब ग्लो शक्ल करे ना तो वो ग्लोइंग स्मूदी देकर अच्छा नहीं लगता है.
सही है भाई, हम तो जितने सालों मेरे मुंह से नाम ही निकल गया बहन लड़ाई लगो स्किन केयर रूटीन। यूट्यूब चैनल खोलूँ और उसमें ऐसा ग्लोइंग। हाँ आप खोलें यूट्यूब चैनल और हम लोग सब आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि अब आप यूट्यूब चैनल खोलें कि आप सबको रोस्ट करें और मैं आपका सपोर्ट। A few moments later. ये इतनी तेज है कि ऐसे मुझे देखकर छिप जा रही है और जब मैं इस पर चढ़ूंगी तो ये मुझ पर अटैक करेगी। देखना आप लोग, ये वेट कर रही है कि मैं अब इस बेड पे चढ़ूं कि ये आए। देखो 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 देखो, नहीं आओगी तुम मैंने कहा ना एक्चुअली हमें बहुत कम मिलते हैं तो हम लोग अपने लिए कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं जो हमेशा देखें हम लोग तो एक दूसरे की याद आए और हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी मिल सकें। तो ये खुशी उस चीज़ की तैयारी करी। लोग निकल रहे वाइट पेपर और ये कलरफुल पेंट, बट ये वाइट है और ये ब्लैक है, लेकिन कोई अच्छा सा कलर, डिसेंट कलर चाहिए तो कलर पहले ढूँढ लेते हैं। तो ये दोनों कलर सेलेक्ट किया है हमने और अब हम लोग करेंगे ड्राइंग, यानी कि फिंगर प्रिंट देंगे हम लोग इस पर। ये ज़्यादा एक्साइटेड है, ये आ रही है देख रही है फिर जा रही है। देखो देखो बोले ना, ये ज़्यादा एक्साइटेड है। सी गुड, चलो लगाओ। अच्छा वाला अनर्थ हो गया हमारे साथ, पता नहीं फिर पैंट में भी लगा कि क्या, लेकिन ये ब्रश मेरे से गिरा और इसका ये ऐसा फिंगर प्रिंट है। ये लो भाई लो, फिर से करते हैं। आई थिंक ना फैन ऑन था इसीलिए वो सूख गया होगा, इतना अच्छे से पेंट किए थे यार। चलो फिर से पेंट करते हैं। चुप रहो, फिर से आगे निकल गई। एक्चुअली ये टेप हम लोग को यहाँ चिपकाना था, नहीं हमको ऐसे करना चाहिए। हाँ लेकिन ये तुम्हारी गलती है, तुम पहले की तभी हुआ मेरे साथ ये गलती। और बहुत सब है ये हम बनाया है और हमें ये बहुत पसंद आया है अल्लाह। और जब तक ये सूखता है तो हम लोग बाहर से कुछ खा के आ जाते हैं। ठीक है, बाय बाय। और फिलहाल हमको नीचे ही जाना है तो हम निकले हैं अब बाहर। कुछ ज़्यादा ही खुशी बना रही है मैंगो शेक और मैं यहाँ पे खुशी का वेट कर रही हूँ जब तक। और हम लोग बाहर से ये जब तक स्नैक्स लेके आए हैं, बिस्किट और कुछ आलू भुजिया और च्युइंगम वगैरह है। और मुझे ना मतलब एक सेकेंड, मैं पहले जाप ठीक कर रही हूँ। उसको हम इरिटेट कर दिए कि वो लास्ट में उधर जाके बोल रही है। 2000 years later. So yeah, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि वो फ्रॉक मतलब बोर हो गई थी अब मैं तो, मतलब मैं एक्स्ट्रा एक ड्रेस लेकर आई थी तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। और जब तक खुशी का मैंगो शेक अभी तक नहीं बना है, वो अभी तक मैंगो शेक ही बना रही है। तो अब जाके देखती हूँ कि मैं वो आखिर इतनी देर से क्या आवाज़ आई बना रही है। भाई बंदी से चुप मत रहिए, चलिए देखते हैं उसको। ये इसका शेक बन रहा है, वाव। क्योंकि मैंगो शेक मेरा फेवरेट है और इसको पता है कि मैंगो शेक मेरा फेवरेट है, इसीलिए ये मेरे लिए प्यार से ये मैंगो शेक बना रही है। तो भाई अब इसकी पसंद मुझे पसंद, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। इसकी पसंद मुझे पता है, मेरी पसंद बहुत अच्छे से इसको पता है, तो अब क्या ही बोल सकते हैं, यही प्रूव होता है दोस्ती में। यही होना चाहिए कि अगर आपकी पसंद ना पसंद वो नहीं जानते हैं तो वो आपके इतनी ख़ास दोस्त नहीं हैं। और हाँ भाई, दोस्ती में ये चीज़ होना चाहिए, आप रोस्ट करो, आपको जिसको रोस्ट करना आप करो, अपनी फ्रेंड को छोड़ के आप रोस्ट करो, तब होता है वो फ्रेंडशिप होती है भाई। बहुत सारी फ्रेंडशिप मैंने ऐसे देखी है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को ही रोस्ट करने लगती है, या ऐसे नहीं करना चाहिए। फ्रेंड का सपोर्ट करो, फ्रेंड को सपोर्ट करो भाई।
मजाक मत उड़ाया करो अपने दोस्तों की। अच्छा हमको सिखा रही है, ये ड्रेस अच्छी है या वो ड्रेस ज्यादा अच्छी थी? ये ड्रेस भी शॉर्ट फ्रॉक ही है, ये भी ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैंने ब्लैक पहन लिया, और खुशी भी ब्लैक टी शर्ट में ही है इसलिए मैंने भी ब्लैक टी शर्ट पहन लिया, ब्लैक टी शर्ट पहन लिया, ब्लैक टी शर्ट पहन लिया। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। सॉरी, खुशी ने भी ब्लैक पहना है तो मैंने सोचा मैंने भी ब्लैक लाया है तो मैं भी पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने भी ब्लैक टॉप पहन लिया। ये शेख भाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये इसने बनाया है। हाँ खोल लो तुम बाल खोल लो। तो ये बन गया हमारा ड्राइंग अच्छे से, कहाँ बना दिखाऊँ? ये बना, अभी इसमें उल्टा दिख रहा है, बट क्या इंस्टा पे भी मैं अपलोड करूँगी और इंस्टा पे आप मुझे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे इतने सालों बाद इससे मिलकर, और मैं चाहूँगी कि मैं वापस मिलूँ क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं तो ये मिलते नहीं हैं आजकल, तो मैं ही आ जाती हूँ आपसे मिलने। अगली बार मैं आऊँगी तुम, ठीक है इस मंथ ही मेरा बर्थडे है, देखते हैं। अगर ये नहीं आई तो ये ब्लॉक होगी, ये ब्लॉक होगी अब क्योंकि ये हमेशा नहीं आती है, पता नहीं ऐसी क्यों है ये। मैं आऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मेरे से और क्या दिख रहा होगा तुमको कुछ ज्यादा ही है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बर्थडे के टाइम हमारी बात बंद हो गई थी, इसमें ऐसी कोई दोस्ती नहीं होती कि कोई दोस्त किसी के बर्थडे में ना आए तो फिर तो वो खराबी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरी गलती थी उसमें तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय। या मैंने मिल लिया है खुशी से और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उससे मिलके, बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं सच में किसी ऐसी फ्रेंड से मिली हूँ जिससे मिलके मेरा दिल खुश हुआ है, और बहुत अच्छा लगा खुशी से मिलके। और मेरा मूड भी बहुत दिन से ख़राब चल रहा था और वो अब फ्रेश हो गया है, और मतलब ना कि इसके साथ ना एक घंटा आधा घंटा जो भी हो बहुत ख़ास मेरे लिए होता है क्योंकि हम लोग मिलते भी तो है एक साल दो साल तीन साल ऐसे ऐसे मिलते हैं, अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, लेकिन हाँ इंशाल्लाह जब भी मिलेंगे, मैं जब भी इससे मिलूँगी मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो क्योंकि बहुत बहुत दिन पे मिलूँगी तो जाहिर सी बात वो ख़ास होगा ही, और मे बी ये मेरे बर्थडे में आएगी तो तब बर्थडे व्लॉग अगर मैं जब बनाऊँगी तब शेयर करूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे अब ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, मगरिब का टाइम हो गया है और अम्मी का कॉल भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं जा रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और ये ब्लॉग मैं अब यहीं पर एंड कर रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।